हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका शर्मा रेसिपीज। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका शर्मा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं प्रोटीन से भरपूर और सुपर हेल्दी तिल मखाना लड्डू रेसिपी। दोस्तों, यदि आप डायबिटिक हैं या फिर वेट लॉस करने का सोच रहे हैं तो ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हमने यहाँ ना तो चीनी का यूज़ किया है ना ही घी का यूज़ किया है और ये झटपट से बनकर तैयार हो जाते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए दोस्तों, फटाफट से शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू रेसिपी, प्रोटीन से भरपूर सुपर हेल्दी तिल मखाना लड्डू रेसिपी। तिल मखाना लड्डू बनाने के लिए यह हमें चाहिए 30 ग्राम मखाने, 100 ग्राम तिल, 1 कप यानी 100 ग्राम के आसपास गुड़, यहाँ मैंने लिया है पिसा हुआ गुड़, आप यहाँ गुड़ को कद्दूकस भी कर सकते हैं, और बारीक कटे हुए काजू, पिस्ता और बादाम। गार्निशिंग के लिए अब जो हमने यहाँ तिल और मखाने लिए हैं उन्हें हम रोस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए एक फ्राई पैन, उसमें हम डालेंगे तिल और तिल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम रखना है और 1 से 2 मिनट तक तिल को रोस्ट करते रहेंगे ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। तिल काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और सेम फ्राई पैन में अब हम डालेंगे मखाने और मखानों को भी उसी तरह से मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसे लगातार चलाते रहेंगे तो मखाने भी काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे। हमें इन्हें ड्राई रोस्ट करना है, हमें यहाँ कोई भी घी यूज़ नहीं करना है। मखाने काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, अब उसके लिए हम एक मखाना लेंगे और इस प्रकार से चेक कर लेंगे। अब हम लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और उसमें डालेंगे मखाने और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने तिल रोस्ट किए थे और इन्हें ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 1 ग्लास फुल फैट मिल्क, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। तो ध्यान रहे यहाँ हमें अभी गैस यूज़ नहीं करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स होने के बाद अब हम इसे गैस पर रख देंगे और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ हाई रखना है और इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है वो दूध में काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें कोई भी लम्प्स ना रहें। 1 से 2 मिनट बाद दूध भी काफ़ी अच्छे से बॉयल हो जाएगा। दूध बॉयल होने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार इसे चलाते रहेंगे और धीरे धीरे जो दूध हमने ऐड किया था वो एकदम गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूध को तैयार करना है और इस स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे रोस्ट किए हुए तिल और मखाने से बना फाइन पाउडर और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ मीडियम ही रखना है और धीरे धीरे इसे चलाते रहना है। तो जैसे जैसे हम इसे मिक्स करेंगे तो जो पाउडर है वो दूध में काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और एक फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो तिल मखाना पाउडर है वो काफ़ी अच्छे से दूध में मिक्स हो चुका है। इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस स्टेज पर अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गुड़ और इसे गुड़ के साथ मिक्स कर लेंगे। हमें यहाँ गैस की फ्लेम को बंद रखना है, नहीं तो जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा और इसे मिक्स करने में हमें यहाँ 1 मिनट लग जाएगी। और देखिए काफ़ी अच्छे से जो हमने गुड़ इसमें मिक्स किया था वो मिक्स हो चुका है। हमने जो यहाँ गुड़ मिक्स किया है उसकी वजह से जो हम स्वीट तैयार कर रहे हैं उसका कलर काफ़ी चेंज हो गया है। तो यह हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। तो यह मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे तिल और ड्राई फ्रूट्स और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम तिल के लड्डू बना रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनेंगे। तो इस तरह से मिक्सचर काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है और ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
और यकीन मानिए जो लड्डू हम बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। तो आइए अब हम लड्डू बनाएंगे। तो उसके लिए हमें 1 से 2 चम्मच जितना मिक्सचर अपने हाथ में लेना है और इस प्रकार से गोल गोल लड्डू तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और इसी तरह से मैं आपको एक लड्डू और बनाकर दिखा रही हूँ। तो आप यहाँ बड़े साइज का लड्डू भी तैयार कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। और इसी तरीके से जितना मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके सभी लड्डू बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, तिल मखाना लड्डू बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। और इनकी खास बात ये है कि आप किसी भी व्रत में इन्हें बनाकर खा सकते हैं। और यदि आप डायबिटिक पेशेंट हैं या वेट लॉस कर रहे हैं और कुछ भी मीठा खाने का मन हो तो ये लड्डू आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो दोस्तों, प्रोटीन से भरपूर और सेहत के लिए फायदेमंद तिल मखाना लड्डू आप भी इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। यदि आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।